सना तू 2 मिनट रुकेगी, मैं जरा मंदिर होकर आती हूँ। मैं 2 मिनट नहीं, मैं 10 मिनट रुकने के लिए तैयार हूँ। अंदर जो लड्डू का प्रसाद मिलता है ना, वो बहुत ही टेस्टी है, मुझे वो एक डब्बा अलग से चाहिए। तू मंदिर के लड्डू घर ले जाएगी, अलाउड है तुझे? अच्छा, मतलब तू मेरे घर से सेवैया लेकर जा सकती है और मैं यहाँ से लड्डू लेके नहीं जा सकती? सही है बॉस। अरे नौटंकी, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, लेकिन लड्डू तो छोड़, अगर किसी मोहल्ले वाले ने तुझे यहाँ मंदिर के बाहर खड़ा भी देख लिया ना, तो बवाल हो जाएगा। मेघा, आई डोंट केयर दिस बवाल ओवर। अच्छा मेरी माँ, तू रुक, मैं 2 मिनट में आई हूँ। अरे सना मैडम, आप यहाँ? हाँ, वो मेघा के साथ में आई हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो एक मंदिर में सवारी छोड़ने आया था, आपको खड़े देखा तो बस रुक गया। मेघा अंदर है ना, तो बस उसी का ही वेट कर रही हूँ मैं। तो उनको भी आ जाने दीजिए, उनको भी छोड़ दूंगा। अरे नहीं नहीं, हम लोग पैदल निकल जाएंगे। तुम पैदल क्यों चले जाएंगे? अरे मैं हूँ ना, और वैसे भी मुझे वहाँ से एक सवारी उठानी है। अरे चलिए ना मैडम, गाड़ी में वेट कर लो। आइए। यूसुफ, कल का सब सेट है, तुम टेंशन मत लेना। तुम मुझसे कह रहे हो टेंशन ना लो? जीनत तुम्हारी बहन सना ऐसे मानेगी नहीं। तुम याद है ना उसने पिछली बार क्या किया था? अरे वाह, मिठाई कहाँ से लाई बेटा? कुछ नहीं अब्बू, मैं मेघा के साथ मंदिर गई थी, वहीं से लेकर आई हूँ, बहुत थक गई हूँ मैं। देखो बेटा, हमने तुम्हें कभी भी कुछ भी करने से मना नहीं किया, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। इस तरह से दूसरे धर्म के लोगों के साथ पूजा पाठ में जाना, उसमें हिस्सा लेना, ये ठीक है क्या? अबू देखो, पहली बात तो ये है कि मैं मंदिर के अंदर गई नहीं थी, और दूसरी बात ये है अगर गई भी हूँ तो उसमें गलत क्या है? कुछ गलत नहीं है बेटा, पर लोग तरह तरह की बातें करते हैं और हमें इन्हीं लोगों के साथ रहना है, और समझने की कोशिश करो। अबू समाज को तो आप छोड़ ही दीजिए, उनका बस चले ना, वो हमें सांस लेने में भी पाबंदी लगा दे। मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं, मैं इसलिए लेकर आ गई बस। छोड़िए बिना, बच्ची है, आपको पता है इसे लड्डू कितने पसंद है। रूबीना, कल सना के साथ चली जाना, मुझे कुछ काम है। कहाँ जाना है? हाँ बताओ जरा इन्हें। एक घूमने के लिए हमेशा रेडी रहती है ना? वो आपा कॉलेज जाना है फॉर्म भरने के लिए। हाँ तो फिर मैं चलूंगी ना, वहाँ पर ना चाट मिलती है और वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, कल वहाँ से पैक करा के भी लेकर आएंगे सबके लिए। ठीक है, कल चलेंगे। बीच में उतार दिया और सीधे गाड़ी आपके पास लेके आ गया। अरे सवारी क्यों छोड़ी, तुम हमको बता देते, हम दूसरा ऑटो ले लेते। ऐसे ही मैडम बस। रूबीना एक बात बता, इस बार क्या कॉलेज में ऑनलाइन फॉर्म नहीं मिल रहे थे? आए तो है, आए हैं तो फिर हमने ऑनलाइन क्यों नहीं भरे? हमने तो कहा था, पर जीनत आपा ने कहा कि कॉलेज में जाकर भर कर आओ। तुमने कहा था? हाँ, पर जीनत आपा ही नहीं मान रही। आपको ये निकाह कबूल है? क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ सना,
तो इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? आपने मुझे इसलिए बाहर भेजा ना ताकि अपनी जिंदगी बर्बाद कर सके इस यूसुफ के लिए। सना, इन सब में मत पड़ो, तुम बड़े जिंदा है अभी घर के। अब उस जीनत आपा को तो दिख नहीं रहा कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है, लेकिन आप और अम्मी आप भी। देखो सना, बहुत हो गया है, ये मेरा और मेरी बीवी के बीच का मामला, इसमें ना ही पड़ो तो अच्छा है। अच्छा, तुम्हारा और तुम्हारी बीवी के बीच का मामला है, तुम भूल गए 3 तलाक दे चुके हो तुम आपा को। कोई तलाक नहीं दिया है किसी ने किसी को। आपा अगर तलाक नहीं दिए तो ये हलाला की जरूरत क्यों पड़ रही है? सना, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मुझे मेरे घर लौटना है। आपा, अगर आपको घर लौटना है ना तो आप ऐसे ही लौट जाइए, इन सब की क्या जरूरत है? क्योंकि ये गलत है। गलत है? कहाँ लिखा है साहब, दिखाइए जरा, मैं भी पढ़ती हूँ। तारिक साहब, लगता है आपने अपनी बेटी को कुछ ज्यादा ही पढ़ा दिया है। अब वो आपको दिख नहीं रहा कि ये सब गलत हो रहा है? क्या गलत है और क्या सही, मुझे नहीं देखना। जीनत अपने घर जाए, इसी में हम सबकी भलाई है। वो यहाँ इस घर में रहेगी, अपना घर छोड़कर तो मैं किसे घर जाऊंगा, तुम्हारा और रूबीना का रिश्ता लेकर। सायरा, अंदर ले जाओ उसे। मेरी बात तो सुनिए। क्या हो रहा है? वो सर, नया बिजनेस शुरू किया था तो कुरान खानी रखी थी घर में, पर आप यहाँ कैसे? हमें खबर मिली है कि 3 तलाक और हलाला का मामला है। नहीं सर, जिसने भी आपको ये खबर दी वो गलत है। बिल्कुल सही खबर दी है, यहाँ पे जीनत आपा का हलाला हो रहा है। सना, जाओ अपने कमरे में जाओ, ले जाओ। मेरी बात तो समझ ले। कोई कहीं नहीं जाएगा। हाथ छोड़िए इसका। मौलाना जी, आप बताइए सच्चाई क्या है। जी, मैं तो वही कर रहा था जो तारिक साहब ने मुझे कहा था। शर्मा, पूजा, सबको पुलिस स्टेशन ले चलो। देखिए, नो, लेके चलो, चलो। तारिक भाई, मैं आपको समझदार समझता था, लेकिन आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अगर पुलिस राजी नहीं होती तो महीनों तक आपकी जमानत नहीं होती। हाजिर भाई, मैं तो बस जीनत का भला सोच रहा था। जीनत का भला सोचने के लिए मैं हूँ, आप इस सना पर लगाम लगाइए ना, इसी ने पुलिस को फोन करा, वरना घर के बाद घर में रहती। अबू, हमने किसी को फोन नहीं किया था, और अगर अपने घर में कुछ गलत हो रहा होता ना तो उसको रोकने के लिए मैं पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती। सना, अब तुम्हें इस घर के मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? अबू, हम जानते किसने फोन किया होगा, वो कुलदीप है ना, उसी के लोगों ने फोन किया। आमिर, अगर बोलने के लिए कुछ ना हो ना तो चुप रहना बेहतर है। अरे भाई, वो अनजान फोन हमने किया था, समझे? देखा अब्बू, मैंने कहा था ना कि इन्हीं लोगों ने किया। अगर अभी तुम लोग नहीं सुधरे ना तो जिला जेल की मुंह दिखाई बहुत जल करवा देंगे। ए, तू ना अपनी औकात में रह, समझा? वरना क्या कर लेगा बेटे, साले काफिर दफना देंगे यहीं पे। देखो तुम चुप रहे, ये लोग हमारे घर के बाहर आके हमें धमकी दे रहे और आप मुझ पर चिल्ला रहे। क्योंकि समझदार है तुम्हारे अब्बा, क्योंकि ये जानते हैं अगला चुनाव तो जीतने से रहे, इसलिए बेचारे चुप खड़े हैं। और तू भी एक बात जान ले, अगर बाबा की बगिया में रहना है ना तो बाबा बाबा बोलना सीख ले। क्या बोलते गौरव? हाँ, बहुत हो गया। आवे, 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 इतना सेंसिटिव एरिया है ये, यहाँ एक छोटी सी बात भूसे के ढेर में आग लगाने जैसी है, और आप लोग झगड़ा कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं यहाँ पे। और आपको कितना टाइम हुआ पुलिस स्टेशन से आए हुए? देखिए इंस्पेक्टर साहब, कोई फसाद की बात नहीं थी, ये कुलदीप का बेटा आयुष, सब उसी ने शुरू किया। ये शुरू चाहे किसी ने भी किया हो, अब इसे खत्म हम लोग करेंगे। चलिए, सब लोग अरेस्ट कीजिए, अंदर लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चे हैं, इनसे गलती हो गई, हम लोग आपसे माफी मांगते हैं। जी कादिर जी, कुलदीप जी, आप इतने सीनियर लोग हैं, मैं ये बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे अपने एरिया में कोई भी दंगा फसाद नहीं चाहिए, कम से कम चुनाव तक तो बिल्कुल भी नहीं। आप लोग समझ गए? प्लीज अपने अपने घर जाइए, जाइए आप लोग।
क्या जरूरत थी तुझे उनके झगड़े में पड़ने की? क्यों किया पुलिस का फोन? मैंने नहीं किया था फोन पुलिस को। तुमने खुद कहा सबके सामने कि तुमने पुलिस को फोन किया था। वहां बोल दिया तो बोल दिया, लेकिन मैंने कोई फोन नहीं किया था। फिर किसने किया फोन? मुझे क्या पता पापा, आप हमेशा मुझ पर चिल्लाते रहते हैं। देख आयुष, कान खोल के सुन ले, तेरी वजह से अगर चुनाव में कुछ भी गड़बड़ हुआ ना तो तेरे लिए मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। समझा अपने भाई को? चिंता मत कर बेटा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अम्मी मैं गलत हूँ क्या जो जीनत आपा और आप लोगों का भला सोचती हूँ? तो गलत नहीं है बच्चा, गलत तो इस दुनिया में औरत होना है, जो कभी बाप की इज्जत का भार तो कभी पति की इज्जत का। इसके सिवा हमारा अपना वजूद है ही क्या इस दुनिया में? पर अम्मी, जीनत आपा अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है एक ऐसे आदमी के लिए जो उनकी इज्जत तक नहीं करता? तो तू ही बता ना, क्या करेगी वो? अम्मी वो पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है, समझदार है, वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगी ना, अगर वो बस थोड़ी सी हिम्मत दिखाए तो। औरत की हिम्मत को गुस्ताखी मानती है ये दुनिया, और सना तुम्हारी हिम्मत से मुझे डर लगता है। डर किस बात का? मैंने जितनी दुनिया देखी है ना, उसकी आधी भी अगर तुमने देखी होती ना, तुम समझ जाओगी मैं क्या कहना चाहती हूँ। अम्मी हमें कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत होइए। तुम मेरे फोन के साथ क्या कर रही हो? कुछ नहीं आपा, बस ऐसे ही आपका फोन। और आपा, मैंने आपका कमरा साफ कर दिया। लड़की को केरोसिन डाल के जलाया गया है, काफी हद तक बॉडी जल चुकी है, बहुत नाजुक हालत थी उसकी। सर, जीना तो रूबीना अपने कमरों में ही थी, मैं भी सोने ही जा रही थी। सना तो किचन की साफ सफाई कर रही थी और फिर वो, हाँ सर, सफाई करके वो कचरा फेंकने के लिए बाहर ही गई होगी, तभी उस पर। आपने हमला करने वाले को देखा था? नहीं देखा था सर, सना की चीख सुनकर हम लोग बाहर आए थे तो वहाँ कोई भी नहीं था, मेरी बच्ची थी अकेली, जल रही थी, चीख रही थी। आप लोगों को किसी पर डाउट है? वो आयुष और उसके दोस्तों ने किया होगा अपने बाप के कहने पर हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए। सर कादिर जी, अपने बेटे को कहिए कि पुलिस का काम पुलिस को ही करने दे। गलत क्या कहा उसने? हाँ, आप ही बताइए, हमारी बच्ची के साथ ऐसा कौन कर सकता है? ये कुलदीप किसी भी हद तक गिर सकता है, चुनाव जीतने के लिए है। कोई सबूत है आपके पास? अपनी राजनीति को अपने पास रखिए, किसी की जान से बढ़कर नहीं है आपकी राजनीति और ये चुनाव। तारिक साहब, मैं आपकी हालत समझता हूँ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ सवाल तो आपसे पूछने ही पड़ेंगे। मुझे ये सना का कोई बॉयफ्रेंड था? मेरी बेटी जिंदगी और मौत से जूझ रही है और आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं? ऐसे मामलों में अक्सर यही एंगल सामने आता है, इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर कोई बॉयफ्रेंड नहीं था तो कोई स्टॉकर जो उसका पीछा कर रहा हो, परेशान करता हो,
नहीं मैडम, सना ने तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया। बाकी अगर आपको झूठ लग रहा है तो आप मेघा से बात कर सकते हैं। मेघा सना की बेस्ट फ्रेंड है। आपके पास सना का फोन है? जी। पूजा, फोन ले लो और जरा मेघा को बाहर लेकर आओ। नहीं सर, सना का कोई अफेयर नहीं था और ना ही उसका कोई स्टॉकर था। वो यूसुफ, उसका जीजा, वो? हाँ सर, यूसुफ से नहीं बनती थी उसकी। वो अच्छा आदमी नहीं है सर। उसकी बहन जीनत को भी ठीक से नहीं रखता था, मारपीट भी करता था। और जब से जीनत दी को उसने तलाक दिया है, तब से तो सना और यूसुफ में और भी ज़्यादा टेंशन थी सर। उसे उसकी मनमानी जो नहीं करने देती थी। सर, राम सिंह को सिक्योर कर लिया है। थोड़ा तनाव का माहौल था तो फोर्स भी बढ़ा दी गई है। वेरी गुड। से क्या लगता है, सना पे जो हमला हुआ वो कॉम्बिनेशन हो सकता है? सर मतलब सना इतनी रात को बाहर आएगी इस बात का हमलावर को पता होना और फिर उसके ऊपर हमला करके इतनी आसानी से भाग जाना, मुझे बात पच नहीं रही है सर। अब ये मामला पर्सनल है या कम्युनल, जो भी है, लेकिन इस बेचारी सना के साथ तो बहुत बुरा हुआ ना। वो देखो सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो, तब तक मैं इस कुलदीप से बात करके आता हूँ। सर देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, हमारा इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। सच बात तो यह है कि मैं खुद डरा हुआ हूं कि कहीं गलती से भी इसमें मेरा नाम आ गया तो मैं तो जीता हुआ चुनाव हार जाऊंगा। उनके घर में कम मसले हैं जो उन्हें किसी बाहर वाले की जरूरत पड़ेगी। कैसे मसले, क्या मतलब है आपका? सर मतलब यह है कि उन लोगों के हिसाब से ना सना बहुत ही ओपन माइंडेड लड़की थी और उसके अपने लोगों को उसका रहन सहन पसंद नहीं था, इसलिए सब जो बोल रहे हैं खुल के बताओ। दरअसल यूसुफ, यूसुफ आपकी पिछले दिनों उसी से मुलाकात भी हुई होगी, आप उससे क्यों नहीं पूछते? शर्मा, वो सना की सीडीआर आई? नहीं सर, शाम तक आ जाएगी। टेक इट ऑन प्रायोरिटी, ये केस जल्दी सॉल्व नहीं हुआ तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। जी सर। हेलो, हाँ बोल बेटा, बोल बोल बेटा, किसने किया है सब? तूने देखा उसे? बोल कुल 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 कुल, हाँ बोल बेटा। सना, सना डॉक्टर, सना हो क्या? डॉक्टर, कोमा में जाने से पहले हमने रिकॉर्ड किया था। जब ये होश में आई थी तो आपने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? फोन नहीं कर सके सर, परेशान थे, पर वीडियो तो रिकॉर्ड किया है ना हमने। अब जाके अरेस्ट कीजिए उन लोगों को। तारिक साहब, वीडियो में कुछ भी क्लियर नहीं है, ऐसे कैसे अरेस्ट कर लें किसी को भी? सर वो क्लियर तो बोल रही है साफ साफ, कुलदीप का बेटा, और कुलदीप का सिर्फ एक ही बेटा आयुष। आप जाइए, पकड़िए उसको, तोड़िए, सब उगल देगा वो। तुम्हारी और आयुष की कोई पर्सनल दुश्मनी है? सर वो क्लियर कट नाम ले रही है सना। किसी का भी नाम नहीं लिया है उसने, सिर्फ कुछ कह रही है जो समझ में नहीं आ रहा है। ये जो आप कर रहे हैं ना, ये मैं होने नहीं दूंगा। क्या कर रहे हैं हम लोग और आप क्या नहीं होने देंगे? बचा रहे हैं कुलदीप और उसके बेटे को। क्या दिया है उन लोगों ने आपको जो आपको ये सब करना पड़ रहा है? देखिए, हमें ना ही किसी ने कुछ दिया है और ना ही हम किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जब तक हमलावर पकड़ा नहीं जाता हमारे लिए सब बराबर है, समझिए आप। तारिक साहब, यूसुफ जरा मेरे साथ बाहर आइए, आप लोगों से कुछ बातें करनी है। मेरी बेटी के साथ इतना बुरा हुआ है और आप हम ही पे ब्लेम कर रहे हैं। तारिक साहब, उसकी कई वजह हैं, क्योंकि सना के तौर तरीके आपको पसंद नहीं थे, इसके अलावा वो बहुत आजाद ख्याल की थी, दूसरे धर्मों के लोगों के साथ मेलजोल था उसका, और सबसे बड़ी बात, जीनत को बचाने के लिए आपको उसने थाने तक पहुंचा दिया था। गलत है ये, जिसने भी कहा है आपसे। आपकी और सना की बातचीत तो बंद थी ना जीनत और इस यूसुफ को लेकर? हाँ, नाराज था मैं, मगर ऐसे थोड़ी ना कर सकता हूँ उसके साथ, आखिर बेटी है वो मेरी। और यूसुफ, तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में? सर ये बात सही है कि सना और मेरी नहीं बनती थी, लेकिन ना चाहते भी हम दोनों एक दूसरे की फैमिली का हिस्सा है नहीं थे, भूल गए? जीनत को तलाक दे चुके हो तुम। सर वो गुस्से में हो गया था और मुझे इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो जीनत को मना किया था कि ये बात किसी को बताना मत,
लेकिन सर उसने मेरी सुनी नहीं, वो बहुत ज्यादा मजहबी है। जीरत चलो घर चलो, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्या पता चलेगा किसी को। अल्लाह को तो पता है ना, ये उनसे भी छुपा लेंगे आप। चलो घर चलो। छोड़, मना कर रही है ना वो, तो फिर क्यों पीछे पड़े उनके? और वैसे भी कोई पलकों पे नहीं बिठा के रखा तुमने उन्हें। सना ये हमारा मियाँ बीवी का मामला है, तुम बीच में ना ही पड़ो तो ज्यादा अच्छा है। तुम्हारी बीवी से पहले आप आए, वो मेरी फिकर है मुझे उनकी। और मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ कि मुझसे गलती हो गई, कि जीना थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं, और सना वो तो मुझे जेल पहुंचाने को तैयार है। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना तुम्हारी, चली गई वो कोमा में। और तारिक साहब, सना के कल्प्रिट जल्दी ही पकड़े जाएंगे। अंधेरा इतना है ना, हमलावर की शक्ल भी दिखाई नहीं दे रही है। पर सर हमलावर जहाँ से भागा वहाँ पीछे मैदान है, फिर रात में खाली होता है। ये एक कल्प्रिट है हमारे पास, तो कहाँ से आया, कहाँ भागना है, ये सब प्लान करके किया उसने। सर सना को मारने का मोटिव यूसुफ के पास है, और देखा जाए तो तारिक के पास भी, दोनों की इज्जत दांव पे लग गई थी सना की वजह से। जिसने भी सना के साथ ये सब किया है उसे सना से बहुत नफरत रही होगी। तो सर क्या फिर आयुष या कुलदीप हो सकते हैं? सना की वीडियो में वो कहने की कोशिश कर रही थी कू बे, मतलब इशारा उनके तरफ हो रहा था मगर क्लियर नहीं था। लेकिन आयुष या कुलदीप पर हाथ डालने के लिए सबूत कहाँ है हमारे पास? सर जीनत के हलाला के लिए जो निकाह हो रहा था उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को देने वाले कॉलर की आइडेंटिटी ट्रेस हो गई है। किसने फोन किया? फोन क्यों किया था तूने? क्या लगते वो तेरे, तेरी कोई रंजिश है उनसे? ऐसा कुछ नहीं है सर, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। फिर इतना ख्याल क्यों रख रहा था उनका तू? सर हम तो कब से घात लगा करके बैठे थे कि मौलाना उनके घर जाए और हम पुलिस को कॉन्टेक्ट करें, और आयुष के कहने पर ही मैंने कॉल किया था। लगता है तारिक साहब आज ही खेल करेंगे मौलाना नासिर के साथ मिलकर। चल फोन निकल पड़ा अपना। और आयुष के पापा चुनाव हार गए थे कादिर से, और सना के पापा ने भी बहुत मदद की थी उनके चुनाव हारवाने में, और इसी की वजह से आयुष को खुन्नस थी, इसलिए बस उसने मौका देखा और चौका मार दिया। उसके अलावा मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है सर। इस गौरव ने आयुष के कहने पर हमें कॉल किया था, एक बार बातचीत तो बनती है इस आयुष से, लेके आओ जरा से। सर सर सना के सीडीआर आ गए हैं। सना लगातार एक नंबर के कांटेक्ट में थी, दिन में 2 से 3 बार कॉल करती थी इस नंबर पर। पर सर सना का अफेयर हो ऐसा मुझे नहीं लगता। ऐसा क्यों? सर जितने भी कॉल सना ने इस नंबर पर किए हैं 2 से 3 सेकंड से ज़्यादा बात नहीं हुई। अगर सर अफेयर होता तो बात लंबी चलती, और सर सामने से कभी इस नंबर से सना को कॉल नहीं आई। और एक बात सर, सना के कॉल लॉग से ये सारे नंबर डिलीट कर दिए गए थे। ये नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? सर किसी सूरज शर्मा के नाम पर। सूरज शर्मा, पता करो क्या चक्कर है सूरज का। सर डॉक्टर आप लोग कुछ बताते क्यों नहीं, मेरी बच्ची कब ठीक होगी? देखिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, अब सना की बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है सब कुछ उस पर ही डिपेंड करता है। आयुष शहर से बाहर गया हुआ है जॉब इंटरव्यू के लिए। जी आयुष का कल इंटरव्यू है दिल्ली में, और आप उसको क्यों ढूंढ रहे हैं? मैंने आपसे कहा ना कि उसने कुछ नहीं किया, उस रात वो घर में था अपने कमरे में, आप खामखा उस पर शक कर रहे हैं। शक हम नहीं, आप पैदा कर रहे हैं इस तरह अपने बेटे को शहर से बाहर भेजकर। पर आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, आपके बेटे आयुष ने ही जीनत की दूसरे निकाह का टिप पुलिस को दिया था। सना सना क्या हुआ? सना सना क्या हुआ? सना क्या हुआ? क्या हुआ? सना मैंने सूरज शर्मा से बात की है, वो एक मोबाइल शॉप ऑनर है सर, वो सना को जानता तक नहीं है। तो फिर ये सना उसे बार बार कॉल क्यों कर रही थी? सर आयुष अपने घर पे नहीं है, कुलदीप ने कहा कि वो दिल्ली गया हुआ है जॉब इंटरव्यू के लिए। बड़ी सही टाइमिंग है इसकी, हम उसे बातचीत के लिए बुला रहे हैं और ये दिल्ली निकल गया। एक्सक्यूज मी, हेलो क्या? ठीक है
सर, सना की फैमिली ने सना का वीडियो मीडिया में लीक कर दिया है, ये कह के कि पुलिस अपराधियों का साथ दे रही है। सर सर, परिवार का ये कहना है कि पुलिस कुलदीप जी और उसके बेटे को बचा रही है। देखिए जांच चल रही है, अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन सर, वीडियो में सना खुद ये बोल रही है। उसमें कुछ भी साफ साफ नहीं कहा गया है और इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक किसी पर भी आरोप लगाना गलत होगा। थैंक यू। सना एक ऐसी लड़की थी जो कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकती थी, जो सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखती थी, जो दुनिया के खिलाफ लड़ने की ताकत रखती थी। क्या उसकी यही हिम्मत, यही ताकत किसी की आंखों में चुभ गई थी? सना का कोई अफेयर नहीं था तो फिर इतने सारे 2-3 सेकंड से फोन कॉल्स किसे और क्यों किए गए? आखिर सना की फैमिली को वीडियो मीडिया में रिलीज करने की इतनी जल्दी क्यों थी, जबकि वीडियो में कुछ भी क्लियर नहीं था? उसका परिवार आयुष और कुलदीप पर लगातार इल्जाम लगा रहा था, जिसने दो कम्युनिटीज के बीच टेंशन को भी हवा दे दी थी। क्या इस केस की सतह में कुछ और गहराई में कुछ और था? I'm sorry. She's no more. अम्मी, हमें कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत होइए। बहुत ही प्यारी और सुंदर लड़की है। बस कुलदीप भाई ठीक है, शादी की तारीख जल्दी निकाल लेते हैं। बिल्कुल जैसा आप कहें। भाई साहब, एक बार डेट तो फाइनल हो जाए, फिर देखिए अपनी बेटी को कैसे धूमधाम से विदा करते हैं। कुलदीप भाई, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, सब ठीक ठाक हो जाएगा। जान ले ली मेरी बच्ची की। भाई साहब क्यों भाई जाना उसे? अब घर चलिए, आपकी तबीयत बहुत खराब है, चलिए चल कर आ रहा। यहाँ तो बच गया तो पैसे की ताकत के दम पे, ऊपर वाले को क्या जवाब देगा तू? अब चलिए बच्ची को। सर सर, एक इन्फॉर्मेशन मिली है जो सना की दोस्त मेघा बताना भूल गई। क्या बताना भूल गई? सर, कुछ महीनों पहले सना के लिए एक शादी का रिश्ता आया था जिसे सना ने मना कर दिया। किसका रिश्ता? तो तुम सना से शादी करना चाहते थे और जब सना ने शादी करने से इनकार कर दिया तो मार डाला उसे और सारा इल्ज़ाम कुलदीप और उसके लोगों पर लगा दिया, क्यों? सर ये बात आपको किसने कही? किसी ने भी कही हो, पर सच है ना? सर सच है, लेकिन आधा सच है। तो पूरा सच तू बता दे। सर हम तारिक अंकल के पास गए थे निकाह की बात करने के लिए, लेकिन सना को लेकर नहीं, रूबीना के लिए। मुझे रूबीना से शादी करनी है। आमिर बेटा, शादी तो हमें भी करनी है रूबीना की, पर सना बड़ी है रूबीना से, तो पहले उसके लिए लड़का ढूंढकर उसकी शादी के बारे में सोचना होगा। अब्बू, ये क्या कह रहे आप? अगर आपा नहीं होती तो आप मेरी शादी कर देते इनसे। रूबीना, अब्बू बात कर रहे हैं ना, बीच में क्यों बोल रहे हो? नहीं नहीं आंटी, इसमें रूबीना की भी रजामंदी जरूरी है। एक काम कर सकते हैं बेटा, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो, सना के लिए तो हम लड़का ढूंढ ही रहे हैं, अगर तुम चाहो तो मैं बात करूं कादिर भाई से। अब्बू, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफर चल रहा है क्या? रूबीना नहीं तो सना सही, सना नहीं तो रूबीना सही। कैसी बात कर रही है तुम? आमिर से अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा तुम्हें? जरूरत भी नहीं है मुझे। और आमिर, तुम यहाँ से सीधा बाहर चले जाओ, मेरे साथ शादी करने के बारे में सोचना भी मत। सर हूर पर ही समझती थी खुद को वो, मुझे तो ना उसकी सोच पसंद थी और ना ही वो पसंद थी। मैंने तो उसका हाथ भी नहीं मांगा था निकाह के लिए, फिर भी बेइज्जती कर ली मेरी। पता नहीं किस चीज़ का घमंड था उसको इतना। तो उसका घमंड तोड़ने के लिए क्या किया तूने? सर मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे तो रूबीना पसंद थी, इसलिए मैं सिर्फ रुका था कि कब सना का निकाह हो जाए और मैं तारिक अंकल से दोबारा बात करूँ रूबीना के लिए। हाँ, तो सना ने तो तुम्हारी बेइज्जती की थी और रूबीना के लिए तुम्हें रुकना पड़ा, इंतज़ार करना पड़ा। अब सना चली गई तो उसे सबक भी मिल गया और तुम्हारा इंतज़ार भी ख़त्म हो गया, क्यों? सर मैं कोई बच्चा नहीं जो आपकी ऐसी जलेबी वाली बातों को मैं समझूंगा नहीं, इसलिए सर मैं कह रहा हूँ कि आप अपना टाइम मुझ पर मत जाया कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा।
सर, सर मैं सीसीटीवी फुटेज को डिटेल में रीचेक कर रहा था तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। फ्रेडरिक, ये रूबीना कर क्या रही है? सर आगे देख। सर एक सेकंड, ये तो वो सूरज शर्मा है, मोबाइल शॉप का ऑनर जिसे सना कॉल करती थी। अच्छा, ये सूरज शर्मा है। सर जब भी सना की फोन से सूरज शर्मा को कॉल्स गए, उसके कुछ वक्त बाद रूबीना ने बाहर आके कुछ तो रखा है और उसके कुछ वक्त बाद सूरज शर्मा ने वो आके कलेक्ट किया। मतलब ये कॉल सना नहीं, ये रूबीना करती थी। सर लगता तो ऐसे ही। सर आगे देखिए और एक इंटरेस्टिंग बात। सर ये आदमी देखिए, ये ऑटो वाला, सर ये अक्सर सना के घर के बाहर नजर आया है। ये सना को ताड़ते रहता था और कई बार सना को लेके आते जाते भी रहा है, लेकिन सर जब से सना पे हमला हुआ है ये एक बार भी वहां नजर नहीं आया। ये रूबीना और इस ऑटो वाला, दोनों से बात करो। सर काहे फंसा रही है मैडम हमको इन सब में? सना मैडम तो हमारी बहन जैसी थी। अच्छा, बहन जैसी थी इसीलिए दिन रात उसके घर के बाहर मंडराता था? मैडम वो तो इसलिए कि सना मैडम हमको फोन करके बुला लेती थी जब उनको कहीं जाना होता था, तो उनके घर के पास में रहता था तो घर के घर भाड़ा भी मिल जाता था, थोड़ा पैसा भी ज्यादा दे देती थी। तो फिर मर्डर के बाद से तू और तेरा ऑटो कहाँ गायब थे? हम कहीं गायब नहीं थे मैडम, हम तो अपने काम में लगे हुए थे। आप चाहे तो मेघा मैडम से पूछ लो, वो तो हमारे बारे में सब कुछ जानती है मैडम, कसम से। सर ने जब रूबीना के बारे में पूछा तो मैं उसे बुलाने के लिए उसके कमरे में गई, लेकिन वहां जाकर देखा वो वहां थी ही नहीं। लॉकर से 50,000 रुपए और गहने भी गायब। दो दिन पहले सना की मौत हुई है और अभी रूबीना घर से गायब है, ये आप लोगों के घर में चल क्या रहा है? शर्मा इस लड़के को जानते हैं आप लोग? हमें नहीं पता साहब कि कौन है लड़का। रूबीना का अफेयर चल रहा था इसके साथ शायद। क्या बात कर रहे हैं सर, रूबीना कभी घर से बाहर भी नहीं निकलती और इस लड़के के साथ। आप ठीक कह रही हैं, रूबीना घर से बाहर नहीं निकलती थी इसलिए सना के मोबाइल से कॉल करके इसे अपने घर बुलाती थी। पता नहीं इस रूबीना ने क्या क्या गुड़ खिलाया, हम सच कह रहे हैं साहब हमें कुछ पता नहीं। हो सकता है आपको पता ना हो लेकिन सना को पता चल गया हो, इसलिए रूबीना ने सना को मार दिया और कहीं पकड़ी ना जाए इस डर से भाग गई। सर ऑटो वाले के बारे में मेघा से बात हुई, उसने कंफर्म किया है कि वो सना दोनों उसे अच्छे से जानती और रेगुलरली उसी के ऑटो में आती जाती थी। पूजा इस ऑटो वाले पर नजर रखो क्योंकि इस तरह के लोग ही अक्सर छुपे हुए आशिक निकलते हैं। अरे साहब मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया, आप मुझे क्या क्यों आए क्या है? और ये कहाँ मिला? सर स्टेशन से उठाया इसे, भागने के चक्कर में था, रूबीना साथ नहीं थी, पैसे और जेवर बरामद कर लिए इससे। पिछली बार तो तू बच गया था, अब बोल शहर छोड़ के कहाँ भाग रहा था हैं? और रूबीना कहाँ है बोल। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं कुछ नहीं जानता। झूठ बोलता है, रूबीना को अच्छे से नहीं जानता तो बिना जाने ये सारा माल तुझे देकर चली गई? वो मेरी कस्टमर थी, मेरी उधारी उस पे। कैसी उधारी? वो सर मैं मटका खिलवाता हूँ, रूबीना मेरे पास ही मटका खिलती थी और उसी की वजह से उसके ऊपर कर्जा चढ़ गया था। मटका मतलब सट्टा? हाँ लगभग वैसा ही, रूबीना को पैसों की जरूरत थी इसलिए वो मटका खेलती थी, लेकिन मटका खेलने के लिए वो घर से नहीं निकल पाती थी तो वो मुझे कॉल करके बुला देती, फिर वो अपना लकी नंबर लिख के गमले में रख देती थी और मैं जाकर वो पर्ची उठा लेता था। जितने हारने पर पैसे का लेन देन ऐसे ही होता था। करंटली रूबीना 1,00,000 कर्जे में थी और ये पैसे उसी के जो उसने आज सुबह ही मुझे दिए। अच्छा तो तू ये कह रहा है कि रूबीना इतनी ईमानदार थी कि भागने से पहले तेरा सारा कर्जा चुका के भागी? साले बेवकूफ समझता है हमें? नहीं सर मैं सच कर रहा हूँ, उसको मेरी जरूरत थी इसलिए वो मेरे पास आई थी पैसे देने। ऐसी कौन सी जरूरत थी उसकी जो तेरा कर्जा उतारे बिना पूरी नहीं हो सकती थी? सर उसे दिल्ली की टिकट चाहिए थी और वो किसी से कह भी नहीं सकती थी, इसलिए उसने मुझे कहा था कि मैं इस काम में उसकी मदद करूँ। दिल्ली? सर दिल्ली में तो आयुष का भी जॉब इंटरव्यू था।
सर मैं बार बार फोन लगा रहा हूँ पर उसका फोन ही नहीं लग रहा। लगेगा भी नहीं, हमने पता किया है आपके बेटे आयुष का कोई इंटरव्यू नहीं है दिल्ली में। और तारिक साहब आपकी बेटी रूबीना वो भी आज सुबह की ट्रेन पकड़कर दिल्ली के लिए निकल रही है। तो अभी भी छुपाएंगे आप लोग या साफ साफ बताएंगे कि आयुष और रूबीना के बीच क्या चल रहा था? सर एक साल पहले की बात है, हम सब लोग शादी में गए थे और रूबीना अकेली थी घर में, किसी वजह से हमें रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा। और जब हम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आयुष और रूबीना ने जो भी किया वो गलत था सर, बात बाहर जाती तो बदनामी के अलावा और कुछ नहीं हाथ लगता, इसके लिए मैंने कुलदीप से बात भी की। सर अगर ये बात बाहर आती तो मुझे भी नुकसान होता और मेरी राजनीति को भी, बस इसलिए बात वहीं दबा दी और बच्चों को सख्त हिदायत दे दी कि आज के बाद कभी भी कोई हरकत ना करे। और आप दोनों की बात आपके बच्चों ने नहीं मानी। शर्मा दिल्ली की फ्लाइट लो और दोनों को लेके आओ। सर 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 आपको भले ऐसा लगे कि हम दोनों ने सना को मारा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सर, हम दोनों तो इसलिए भागना चाहते थे ताकि इन सबसे दूर जा सके। अपने घर में कैदियों की तरह हम जिंदगी गुजार रहे थे, एक सना सना हो पाई थी जो मैं समझती थी सर। हम आप बाहर चलिए, मैं समझाती हूँ उसे, हम यहाँ बाहर चलिए। मैं बहन बन के नहीं बल्कि एक दोस्त बन के तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ और समझना मेरी बात को। आयुष और तुम अभी बच्चे हो दुनिया के हिसाब से, पहले तुम दोनों अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, कुछ बन जाओ और उसके बाद अगर तुम साथ में रहना चाहो तो अगर घर में कोई साथ दे या ना दे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सर सना 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 बस आई थी सर, लेकिन हम रुक नहीं सकते थे, हमारा दम घुटता था वहाँ पर, सिर्फ इसीलिए पैसे जोड़ने के लिए हमने मटका खेलना शुरू कर दिया सर, लेकिन वहाँ भी हमारा नुकसान हो गया सर। जब हमें पता लगा कि आयुष का नाम बार बार इस केस में आ रहा है तो हमने सर भागना ही सही समझा, हमने सनाओपा को नहीं मारा। ये सना के मरने से आयुष को तो कोई फायदा होने वाला था नहीं, और वो तारिक उसकी बदनामी की वजह वो रूबीना थी सना नहीं। सर तो फिर हमारे पास दो ही सस्पेक्ट बचते हैं, यूसुफ और आमिर। सर या फिर जिनत भी हो सकती है क्योंकि सना उसके रास्ते का भी रोड़ा बन गई। लेकिन सना ने वीडियो में उनका नाम क्यों नहीं लिया? वीडियो फिर से चलाओ। सना ने मरने से पहले अक्यूज का नाम बताने की कोशिश तो की पर इससे पहले कि कोई समझ पाता वो शांत हो गई। क्या पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की दिशा गलत थी? क्या सना के कत्ल और कातिल की वजह कुछ और थी जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के दायरे के बाहर थी? साहब यूसुफ जिनात और तारिक और कुलदीप के साथ साथ आयुष का भी पूरा भूगोल हिस्ट्री खोल डाला साहब, लेकिन कुछ नहीं मिला। एक लड़की को कोई इतनी बुरी तरह से जला के मार देता है तो तू कहते है कोई सुराग नहीं मिला? साहब सना के साथ जो हुआ उसे लेकर दोनों पार्टियां बैठ के बातें कर रही है, मुझे तो लगता है आने वाले चुनाव में मामला पलट सकता है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, बैठकें हो रही है सर, कस्में खाई जा रही है लड़की का बदला लेने के लिए। लेकिन सर इन बैठकों में एक लड़की को नोटिस किया है जो हर जगह आता है। कौन बोलो। सर मैं गौरव और आयुष हम तीनों दोस्त हैं, गौरव ने मुझे बताया था रूबीना और आयुष के बारे में। यार ये रूबीना है ना हमको बहुत अच्छी लगती है, सोच रहा हूँ कि अब्बू को बोल के इसी से निकाह कर लूँ। अरे भाई उससे निकाह आगे सोचेगा तो कुंवारा ही रह जाएगा तू। क्यों? आयुष से सेठ है वो, तुझे तो घास भी नहीं डालेगी। सर मुझे इस चीज़ से बहुत बड़ा झटका लगा था ये सुनकर के आयुष और रूबीना एक साथ है, इस चीज़ की चिड़चिड़ थी मुझे और चुनाव के वक्त मेरे और आयुष के बीच में झगड़ा थोड़ा बढ़ गया था सर। बस सर एक तरफ चुनाव खत्म हुए और दूसरी तरफ आयुष और रूबीना के बारे में उनके घर वालों को पता चल गया। आयुष तो घर से बाहर ही नहीं निकल पाता था और मेरा तो खर्चा ही चलता था आयुष के पैसों पर, और फिर पैसों के लिए सर मैं आमिर पर डिपेंड हो गया और इसने अपना एक मैसेज रूबीना तक पहुंचाने के लिए कहा कि रूबीना अपनी धर्म में शादी करे आमिर के साथ,
और सर ये मैसेज मैंने रुबीना तक पहुंचाया भी। वो तेरा ये मैसेज, ये आमिर का ये मैसेज, और उसने मना कर दिया, और आमिर तेरा खर्चा बंद ना कर दे इसलिए तूने ये कांड कर दिया। नहीं नहीं सर, मैंने कोई कांड नहीं किया है। तो फिर दिखाओ जरा ये तेरा हुडी, तेरा है ये, तेरे घर से मिला है उस रात जो तू पहन कर गया था। और झूठ मत बोलना, सीसीटीवी में ये साफ दिखाई दे रहा है। बोल सर। सर मैंने इसे ऐसा कुछ भी करने को नहीं कहा था, ये खुद ही करके आया जो करके आया। मुझे तो इन चीज़ों की भनक भी नहीं है सर, और मैं सच कह रहा हूँ मेरा कुछ लेना देना नहीं है इन चीज़ों से। तेरा लेना देना नहीं है, तेरे अब्बू का तो है। बोलिए कादिर साहब। तारिक ने मुझे सब बताया था, रुबीना और आयुष के बारे में सब कुछ जानकर भी मैं कैसी बच्चा ने लड़की का निकाह अपने इकलौते बेटे के साथ कैसे करा देता। मैंने इसे बात करने की कोशिश की लेकिन इसे तो कुछ सुनना ही नहीं था। निकाह करना था उस रुबीना के साथ जो मैं कभी होने नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने गौरव से बात की। लेकिन अंकल आमिर आपकी बात नहीं मानते, मेरी बात क्यों सुनेगा? बात मनमानी भी नहीं है क्योंकि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। एक काम करोगे, मेरा जितने पैसे मांगोगे उतने पैसे दूंगा। पूरे 5 लाख रुपए दिए थे मैंने इस बेवकूफ को रुबीना को ठिकाने लगाने के लिए, लेकिन ये बेवकूफ सना को जलाया। रुबीना तो रास्ते से हटी नहीं थी, इसलिए मैंने सना को ही अपना मोहरा बनाकर सारा इल्जाम आयुष पर डाल दिया ताकि मेरा वोट बैंक और मजबूत बन जाए और मैं आसानी से चुनाव जीत जाऊं। तो एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश कर रहे थे और खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अब कुल्हाड़ी मार ही ली है तो भुगतो। ये कैसा समाज बना रहे हैं हम, जहां सना जैसी लड़कियां बिना गलती के मारी जाती हैं और कादिर जैसे लोग उसमें भी मुनाफा ढूंढ ही लेते हैं। इस केस के कई सबक हैं, लेकिन एक बात जो मेरे दिमाग से नहीं निकल रही वो ये कि सना को उस काम की सजा मिली जो उसने किया ही नहीं था। हमारे समाज को रिफॉर्म की जरूरत है, ये बदलाव हमें लाना होगा और शुरुआत हमारे घरों से होगी। तो चलिए, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। कल फिर से मिलूंगी आपसे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम, एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद। इंसान और जानवर दोनों एक ही ईश्वर की संरचना है, लेकिन देखा जाए तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वो फर्क है समझ का। इंसान महसूस कर सकता है, अच्छे बुरे सही गलत के बीच में इंसान फर्क कर सकता है, दूसरों के सुख और दुख को महसूस कर सकता है, और इसे कहते हैं संवेदनशीलता। ये इंसान की सबसे बड़ी ताकत है और इसी वजह से हमें ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ संरचना कहा गया है। पर अगर इंसान अपनी इंसानियत ही भुला दे, तब वो सही और गलत के बीच के मापदंड को भुला के अपनी वासना, अपने लालच को खुद पर हावी हो जाने दे, तब वो एक नरभक्षी जानवर से भी ज़्यादा डरावना बन जाता है, जो समाज के लिए विनाशकारी भी है और खतरनाक भी। गौरी, हाँ? कौन है उधर, किसको देख रही है? कोई नहीं है, आई वो मीना, अब तक आई नहीं ना, तो तीरस भगत होती, कोई नहीं है। स्कूल जाने के पहले ना एक कपड़े घड़ी करके जा, समझी ना? क्या आई, सुबह से तो काम कर रही हूँ, अब मुझे अभ्यास करने दे, मेरा टेस्ट है। ऐसा नहीं किया हा? तुम लड़की लोगों को घर का काम और पढ़ाई दोनों आना चाहिए, तभी सर्वगुण संपन्न अच्छी लड़की बोलते हैं। बाबा पर मेरा टेस्ट आई करे, काय बाबा बाबा
अच्छी लड़की अपने बड़े लोगों को ऐसा उल्टा जॉब नहीं देती है, समझी का? नाश्ता लगा। दो महीने से बीपी बढ़ा रहे थे मेरा, हाँ? कितने फोन चोरी किए रहे मेरे एरिया से? उनको छोड़ूंगा नहीं मैं। सर ये देखिए। अरे कौन है ये बच्ची? किसका रेप कर रहे थे तुम लोग? हाँ? ये फोन किसका है? सर इसका। फिर ऐसा? ये तुम चोरी भी करते हो, ये भी धंधा करते हो? ये कहाँ बना रहे हो ये? सब ये बच्चों का पौन है साहब, मैं बस देखता हूँ। माँ का सुन साहब, बस देखता हूँ साहब। घुमाता है मेरे को घुमाता है, हाँ? झूठ बोलता है मेरे से? तेरे को मालूम है ना इंडिया में पोर्नोग्राफी बंद है, कहाँ से देख रहा है ये? सब मैं ये सब इंटरनेट से डाउनलोड करता हूँ साहब, एक वेबसाइट है जहाँ ये सस्ते में और आसानी से डाउनलोड हो जाती है साहब। फिर ये वेबसाइट के बारे में सच बोल रहा है पता करो, अगर झूठ बोल रहा है ना तो इसके ऊपर रेप किस दाल लेके जाओ इसको। सिर्फ पता करो ये लड़की कौन है। सर कंट्रोल रूम। किताब मिल गई ना टेबल पर? हाँ। नाश्ता कर ले चल। आई थोड़ा सा लेट हो रहा है। शीतो दिस इज फॉर यू। वाओ गोल्डन मैन। यस ऑफ कोर्स। शीतल चल। हाँ आई। अरे मीनू ये क्या, नाश्ता कर ले? नहीं आंटी लेट हो जाएगा, चल शीतल। अगर रेखा भाई बहन में ऐसी मस्ती होती है। नहीं मेरी शीतू ऐसी नहीं है, यही ऐसा करता रहता है। क्योंकि सोम लड़का है और लड़के थोड़े मस्ती को रोते ही है। मैं तो इससे भी ज्यादा शैतान था, पूछना मेरी बहन से, लेकिन ऐसी मस्ती दोबारा नहीं। हो बाबा चल। ऑल द बेस्ट। गौरी कब आएगी? गौरी आ रही हो? आ गई आ गई आ गई आ गई। ए गौरी क्या कपड़े घड़ी नहीं किया रे तूने? आई मेरे को लेट हो रहा है। ठीक है मैं भी नहीं करने वाली, स्कूल से वापस आके ना तू ही करेगी, समझी ना? अभी जा। ठीक है। अच्छा तेरे बाबा भी ऐसे ही आपका डिजाइन देते हैं? अरे फिर मारा क्या? हाँ। सही में मैं तो बहुत लग गई कि मेरे आई बाबा इतने अच्छे, मुझे तुम दोनों का सुन के बहुत खराब लगता है, मन करता है तुम दोनों को घर ही रखूं। अच्छा फिर तो कितनी मस्ती करेंगे ना अपन लोग। हाँ। हाँ। और हम तीनों की जोड़ी भी कितनी बेस्ट है। अरे बेटा जोड़ी दो की होती है, तीनों की नहीं। तीन यानी तीन तिगड़ा काम बिगाड़ा। नहीं काका नहीं, ये तो आपने गलत कहा, हमारा तो तीन तिगड़ा काम तगड़ा है। क्यों? तो इस बहाने एक तगड़ा इनाम मैं तुम्हें दे देता हूँ, ये ले बेटा। अरे मोस्ट वेलकम, आज तुम्हारी एग्जाम है ना इसलिए। आपको याद था काका? फिर मैं कैसे भूल सकता हूँ बेटा। अच्छा पेपर लिख रहे हैं, मार्क्स अच्छे आने चाहिए, ठीक है? हाँ। अरे जाओ जाओ एग्जाम शुरू हो जाएगी। थैंक यू काका, बाय बाय बाय। अरे मीना शीतल हो तो चलो। अच्छा ये बताओ एग्जाम कैसी गई? बहुत अच्छा। मेरा भी बहुत अच्छा था, मेरी तो पढ़ाई नहीं हुई थी पर टेस्ट खूब छान होता, एकदम इजी। ये सब ना आपटे काका की चॉकलेट का असर है। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, आपटे काका तो ना अपने गांव के सांता क्लॉस है। मीना तेरे बाबा हैं, तेरे असली बाबा प्रकाश बाबा। अच्छा तुम लोग जाओ, मैं बाबा से मिलकर आती हूँ, ठीक है? बाय। चल गौरी चाट खाएगी? नहीं तू जा, मुझे घर पे जल्दी पहुँचना है, अगर मैं नहीं पहुँची ना तो आई मेरा चाट बना देगी, तू जा। चल बाय। चले बहुत अच्छा है जी। कसम मानूस आया, ऐसे मारते हैं बच्ची को? बेटा तो फिकर मत कर, तेरे को जल्दी ले जाएगा मैं उस नरक से।
बाबा पहले आप दारू पीना तो छोड़ दो और कोई नौकरी ढूंढ लो, तभी तो आई जाने देगी तुझे। शपथ, देखो आज से दारू बंद। सच में बाबा? अरे सच में। अरे अब मुझे नौकरी भी लग गई है। अरे देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, तुझे आवड़ते चॉकलेट। थैंक यू बाबा। बाबा चलो मैं घर जाती हूँ, बहुत देर हो रही है। ठीक है जा बेटा। बाय। हाँ कार्जी के। हाँ बेटा। ओह हाँ चल। हाँ बाय। तेरी पूरी वेबसाइट गंदे वीडियो से भरी पड़ी है। मोबाइल से अपलोड करता था ना तू वीडियो? वो मास्क वाला रेपिस्ट तू ही है ना? नहीं सर, मैं नहीं हूँ सर, मैं तो उस मास्क वाले का फैन हूँ सर, उसकी वीडियोस बेस्ट होती है सर। टर्न ऑन वाली वीडियो? टर्न ऑन वाली रेप की वीडियो? टर्न ऑन वाली तू ही है वो रेपिस्ट? नहीं सर, मैं नहीं हूँ सर, मैं तो बस उसकी वीडियोस डाउनलोड करके वेबसाइट पर अपलोड करता था सर। सर आप चाहे तो चेक कर लीजिए सर। फिर ये पता करो ये सच बोल रहा है क्या। क्या हुआ शिर्के? सर सही बोल रहा था वो। ये रही वो वेबसाइट maskfantasy.in। सर यहीं से वो वीडियो डाउनलोड किए गए थे। और ये वेबसाइट का कंटेंट देख के लग रहा है कि इस पे सब ये बच्चियों के रेप वीडियो ही अपलोड करते हैं। व्यू देख रहे हैं सर? क्योंकि तो सारी लड़कियां माइनर हैं, और इधर देख के लग रहा है कि सारी लड़कियां इंडियन हैं। ये वीडियो साइबर सेल को भेज दो। मुझे पता लगा नहीं वेबसाइट कौन और कहाँ से ऑपरेट कर रहा है। एक एक फ्रेम चेक करो, कुछ भी क्लू मिले मुझे बताओ। ठीक है सर। बट ये केस हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? मैं कमिश्नर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि केस हमारे पास दे दो इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है सर। रेखा मी बघितलं सोमेश ने शीतल को मारा है। आंटी झूठ मत बोलो, आई मैंने नहीं मारा, मैं तो ट्यूशन में था और साइकिल भी लेके नहीं गया मैं। अच्छा हुआ तू थी शीतल के साथ, मदद हो गई। बाहर कर तुझे। अगर शीतल भी मेरी बच्ची जैसी है तो इसका ख्याल रख और इस सोमेश की तरफ थोड़ा ध्यान दे, शैतानी करते करते एक दिन बड़ा कांड न कर दे। कांड तो शालिनी के साथ होगा, बहुत झूठ बोलती है ना ये। झूठ तो तेरी हर बात लगती है मुझे, अभी देखा मैंने तुझे साइकिल पे घर आते। और शीतल के साथ भी तूने किया ना ये, दोबारा शीतल को कुछ हुआ ना तो तेरा बाप भी तुझे बचा नहीं पाएगा। लक्ष्य हो तू, अगली बार इसे ज्यादा मारूंगा, तू पर लक्ष्य हो। सर कोई क्लू ही नहीं मिल रहा है कि जितने भी वीडियो हैं सब डार्क रूम में शूट किए गए हैं सर। और ये जो भी रेपिस्ट है इसने फेस पे मास्क लगाया हुआ है, हाँ लेकिन एक दो वीडियो हैं जो शायद गोडाउन जैसी जगह पे शूट हुआ है। ये देखिए मिल गया, ये नंबर देख रहे हो? हर गांव में ऐसा नंबर दरवाजे पे लिखा होता है, इस दरवाजे के ऊपर भी एक नंबर है। पता करो ऐसा नंबर किसी आसपास के ग्राम पंचायत ने दिया है क्या। तुमची मीना घरी कधी बसून आली नाही? दोपहर से साहेब स्कूल गई थी, वापस ही नहीं आई। सब जगह देखी है मैंने, स्कूल में भी किसी ने नहीं देखा साहेब उसको, तो पता नहीं किधर है। कोई बॉयफ्रेंड या फिर किसी लड़के का चक्कर तो नहीं? नहीं नहीं साहब, मेरी मीना ऐसे बिल्कुल नहीं है। तुम मीना के बाबा हो ना? हाँ। तुम्हें कुछ कहना है? कुछ नहीं, बस उसे जल्दी ढूंढो साहब, नहीं तो पूरे गांव में बदनामी होगी हमारी। मोरे मीना की फोटो और डिटेल्स ले लो और सब जगह फॉरवर्ड कर दो। हो साहब। गौरी
तेरे होठ पे क्या हुआ रे? कुछ भी तो नहीं हुआ। तो चोट कैसे लगी? अच्छा वो तो मैं कल काम कर रही थी ना, तो इसलिए लग गई थी। कब लगी थी कल? दोपहर को। नहीं मैंने तो सुबह भी देखा था ये निशान। नहीं आई, मुझे तो दोपहर को लगी, सुबह कैसे देखा होगा। आकाश के साथ में कुछ ऐसा वैसा गलत तो नहीं कर रही ना? बेटा जब से मीना गायब हुई है ना, मेरे को बहुत डर लगता है। आई तू घबरा ना कुछ, और मीना अपने असली बाबा के यहाँ गई होगी और वो खुश होगी। तो उसके आई बाबा पुलिस के पास में क्यों गए? साहब वो दयानंद मीना का सौतेला बाप है, उसका असली बाप प्रकाश धोत्रे है जो कि गांव के बाहर रहता है। मीना के दोस्तों से पता चला कि मीना से मिलने वो कभी कभी स्कूल के बाहर आता था, और वो दयानंद इसलिए शायद वो भाग गई हो। उसको कल किसी ने देखा? नहीं साहब, वो लोग बाहर आए तो मीना जा चुकी थी। साहब मीना ताई अपने बाबा प्रकाश काका के पास गई है। तुम कौन बेटा? मैं महेश, मीना का भाई हूँ मैं। उस दिन सुबह बाबा ने ताई को बहुत मारा, मैं गया था उसे चुप कराने। ताई ताई हेगे पैसे? हाँ 1000 रुपए है, बाबा के पर्स से निकाले हैं। अब तू ये पैसे लेके यहाँ से भाग जा। देख ताई, अगर तू यहाँ से नहीं भागी ना तो तुझे रोज मार खाना पड़ेगा। पर अब मैं कहाँ जाऊंगी? अरे तेरे पापा प्रकाश काका के पास जाना, अरे वो तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे। ए, ए उठ, ए बेवड़े उठ। मीना किधर है? हो गया अपने आई के घर पर। वो कल यहाँ पे आई थी? नहीं। अबे बेवड़े उठ, खर सांग। आई शब्द सब खर सांग। वो इधर नहीं आई, मैं 2 दिन पहले उससे मिला था। वो इधर नहीं आई, अपने आई के घर नहीं गई, तो किधर गई? मीना कल स्कूल से वापस घर नहीं आई। उसका कोई दोस्त बॉयफ्रेंड या फिर ऐसा कोई जो उसको नुकसान पहुंचा सकता हो? दयानंद वो साला हलकट मारो, जब मेरी फूल से बच्ची को वो रोज मारता है, बोझ बोझ बोलता है, उसी ने कुछ किया होगा मेरी बच्ची को। ये मीना ने तुमको बताया? बताया? अरे दिखाया साहब, मैं जब भी उससे मिलता था उसके आग के मार के निशान होते थे साहब। बोला लता से, लता मीनू को या मेरे छोड़ दे, पर साला अपन बेवड़ा मेरी दारू ने मेरे मीनू को छेड़ लिया साहब। मुरे ये दयानंद के पीछे अपने लोग लगा रहे, वो कहाँ आता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, सब जानकारी मुझे चाहिए। उसका फ़ोन डिटेल भी चाहिए। हो सर। और इस प्रकाश का बैकग्राउंड भी चेक कर, ये बेवड़े लोग जानते ज़्यादा है, बताते कम है। हो सर। वीडियो में दरवाजे के ऊपर जो हमें नंबर दिखा था, उस नंबर का मकान नासिक ज़िले में ससुल गाँव में। चलने की तैयारी करो। पद्मा काकी आई को कह रही थी कि मीना उसके बाबा क्यों तो नहीं है। अच्छा? हाँ, और मुझे तो लगता है कि वो भाग गए। पर भरा जाला, उसके बाबा उसको कितना मारते थे, राक्षस कुटले। शीतल तू खाना क्यों नहीं खा रही है? हाई भूख नहीं है। मीनू गई है शीतल को कुछ हो गया है, पता नहीं क्या हो गया। या केकर साहब। जैन साहब। जैन जैन जैन। वेलकम। कसा झाला प्रवास? उत्तम उत्तम। नाशिक आणि लोणावळ्याचा प्रवास उत्तमच होतो, थंडी हवा। आइए सर। चार चम्मच शक्कर की चाय दिमाग की बत्ती जलाए। साहब हमारे थाने का स्पेशलिटी है चाय। नहीं नहीं, अब चाय की बात बाद में करते, पहले केस की बात करते। हाँ ये देखिए,
ये है वो केस। ऐसा कुछ केस नासिक या ससुर में हो रहा है ऐसा कुछ सुनने में आया? नहीं कहकर साहब, ऐसा कोई केस नहीं आया, ना ही माँ बाप का ना ही किसी बच्ची का। बस अभी 3-4 दिन पहले एक 15 साल की बच्ची की मिसिंग कंप्लेंट आई है, मीना नाम है उसका। बट इस घर से भांडण सर, सौतेला बाप मारता है और असली बाप बेवड़ा, लगता है भाग गई हो। हो सकता है कि सौतेले बाप ने कुछ किया। नहीं वो काम पे था और मारने पीटने की बात भी मान ली है उसने, टेम्पर इशू है उसको। किडनैपिंग का भी केस हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में 15-16 साल की लड़कियां दिख रही है, इसका मतलब माइनर लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। तो सर आप ये कह रहे हैं कि कहीं मीना भी इस रैकेट में तो नहीं फंस गई? पॉसिबिलिटी है। और एक चीज जानो, वीडियो में हमें एक नंबर मिला, डोर पे लिखा था, जो ग्राम पंचायत अलॉट करती है। हमें पता चला कि ये जो नंबर है ये ग्राम पंचायत ने ससुर गांव का अलॉट किया है। मोरे बंद जरा हो साहब, ये सीरीज नंबर तो ससुर गांव के बाहर जो फार्म हाउस हैं उन्हें अलॉट किया है। साहब दरवाजा तो खुला है, चेक करो। सर ये देखिए, वो वीडियो यहीं पे शूट हुआ है सर, ये दरवाज़ा और दरवाजे के पीछे है नंबर, कॉन्डम्स के पैकेट भी है सर। सर ये और पैकेट्स भी मिले हैं और एक कैमरा चिप। लगता है लोग इधर ही वीडियो शूटिंग करते थे, पर इस सामान भी यहीं कहीं से खरीदा है। कहाँ से खरीदा होगा? ससुर में ये चीजें एक ही दुकान में मिलती है, रामदेव। रामदेव हो सर, मैंने बेचा है। किसको? साहब वो ससुर और आजू बाजू गांव के 3-4 वीडियोग्राफर, उनमें से किसी एक को बेचा होगा। इसका डाटा रिकवर कर सकते हो? हो जाएगा, पर 2 घंटे लगेंगे समझो। पर 2 घंटा क्या करेंगे? केकर साहब नाश्ते का टाइम हो गया, नाश्ता करेंगे? जादो एक काम करो, ये फार्म हाउस किसका पता करो। ये जो काम है ना ये एक आदमी नहीं कर सकता, 2-3 आदमी ने मिलकर काम किया है। और ये भी पता करो ये जो वीडियोग्राफर है एक खाली टाइम में बॉर्न फिल्म तो नहीं शूट करता। मोरे सबको राउंड ऑफ करो और पूछताछ करो। हो साहब। सर दुकान वाले ने चेक किया, पूरा चिप बिगड़ा हुआ है। मुझे लगा है ऐसा होगा। ओके सर, एक बच्चे की डेड बॉडी मिली है, मीना से डिस्क्रिप्शन मैच होता है। साहब ये तो मीना रावती है। निशा चेक करो बॉडी को। सर रेप है पक्का, एक नहीं मल्टीपल टाइम्स और बहुत ब्रूटल तरीके से। सर लड़की के प्राइवेट पार्ट्स डैमेज हैं। मीना के पिताजी नहीं आए? उम्मीद किया था अभी फैक्ट्री में, बोला कि किसी काम से बाहर गए, उन लेके नहीं गए साथ में। मीना एक 15 साल की छोटी सी भोली सी प्यारी सी बच्ची थी जिसने इतनी छोटी उम्र में अपने शराबी बाप और माँ का तलाक देखा, सौतेले बाप की मार खाई और अब किसी ने उसे भयानक दर्दनाक मौत दे दी। क्या कसूर होता है इन बच्चों का? दुनिया में कदम कदम पर वैसे ही दरिंदे बैठे हैं जो आपके बच्चों को कभी भी नुकसान पहुंचाने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में आपके बच्चों का ख्याल रखना, उन्हें सही रास्ता दिखाना, उनकी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। जादो सबसे पहले पता करना होगा कि मीना का रेप और मर्डर पॉन रैकेट का तो मामला नहीं है, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। अच्छा फार्म हाउस के बारे में पता किया? हाँ श्यामराव देशमुख नाम है उसका, वो यहाँ नहीं रहता, साल में एक ही बार वो यहाँ पे आता है। उसकी कॉल डिटेल्स भी चेक की लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं कि उस पर शक किया जाए। वो फार्म हाउस साल भर बंद ही रहता है।
फार्म हाउस बंद रहता है इसीलिए इसका गलत काम के लिए इस्तेमाल किया है। साहब ये मैं दयानंद की फैक्ट्री में होके आया, जिस दिन मीना गायब थी उस दिन वो भी गायब था और वो भी सेम टाइम पे। सर मैंने प्रकाश के बारे में पता किया है, वो एक नंबर का बेवड़ा है, कुछ काम धंधा भी नहीं है उसके पास, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों से उसके पास काफ़ी पैसा आ गया है, जितना उधार था सब चुका दिया है और शराब भी पी रहा है, वो भी कैश खरीद। वाह कमाल है। कमाल तो है क्योंकि बेटी का रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, सगा बाप दारू पी रहा है और सौतेला बाप बॉडी देखने के लिए भी नहीं आया। दो गाना क्यों नहीं हो सर? साहब सर मेरी लड़की गौरी वो मीना की दोस्त है साहब, वो मेरी लड़की भी कल रात से गायब है। रात को मेरे को बोली कि अपने दोस्त शीतल के घर में जाएगी पढ़ाई करने को, रात को उधर ही रुकेगी, सुबह आएगी, पर सुबह आई नहीं साहब। फिर हो सर हम लोग आ गए तो शीतल के घर पे ताला था, हम लोग घबर गए, इधर आ गए हम सर। मेरी लड़की को ढूंढ दो साहब। उसके दोस्तों से पूछताछ की? बोलो सर, वो कविता से पूछा तो वो बताया कि गौरी और शीतल दोनों साथ में स्कूल के बाद गए थे, सुबह स्कूल से दोनों नहीं आए सर। और थोड़ी आगे, बस बस। अरे ये ताला तो लगा हुआ है, बच्चे शायद आए नहीं स्कूल से। रेखा, केकर साहब ये मीना की पीएम रिपोर्ट, डेथ 9 दिसंबर दोपहर 2 से 4 के बीच हुई है, मल्टीपल और ब्रूटल रेप केस है, मौत स्ट्रैगुलेशन से हुई है, रिसेंट रेप है, मतलब मर्डर के 3-4 दिन पहले ही हुए हैं। मीना के साथ ऐसा कौन कर सकता है? सर उस मास रेपिस्ट ने एक और वीडियो अपलोड किया है, इस लड़की को देखिए सर। अरे तो मीना, मतलब मीना का गायब होना, उसका रेप और मर्डर, तीनों उस पॉन रैकेट से जुड़े हो सकते हैं। किरकर साहब कहीं गौरी और शीतल भी तो हो सकता है, तीनों दोस्त हैं और तीनों एक के बाद एक गायब हो गए। दिशा एक काम करो, इन तीनों का कोई कॉमन फ्रेंड है क्या पता करो, या कोई बॉयफ्रेंड का चक्कर। सर साहब ये शीतल रायकर ने अपने घर में सुसाइड कर लिया। क्या हो साहब? बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर घर को अच्छे से चेक किया है लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। घर को ताला क्यों था? पता नहीं सर, हम लोग तो शादी में गए थे यहाँ राहुरी में, शीतल और सुमेश घर पर अकेले ही थे, हम लोग जब यहाँ आए तो घर पे ताला लगाया हुआ था, चाबी हमच्चे होती तो हमने ताला खोला और हम लोग जैसे अंदर आए तो शीतल। चाबी किसी और के पास थी? नहीं सर, मेरा बेटा सोमेश सिर्फ उसके पास ही चाबी थी। ये सोमेश कहाँ है? कितना आसान है बच्चियों को डराना, धमकाना, उन्हें परेशान करना। सोमेश हो या दयानंद, गणेश हो या लता, जब जी चाह थप्पड़ लगा दिया, जब जी चाह कोस दिया। क्या शीतल की मौत सुमेश की बदमाशियों का नतीजा था? सुमेश का घर से गायब हो जाना तो इसी ओर इशारा कर रहा था। पर मीना को किसने मारा? मीना का वीडियो पॉर्न वेबसाइट तक कैसे पहुंचा? एक सवाल और था कि गौरी कहाँ थी, उसके साथ क्या हो रहा था। अंदेशा यही था कि इस बात का जवाब डरावना ही होगा। केस तो बड़ा नजर आ रहा था लेकिन पुलिस के पास कोई बड़ा सबूत या लीड नहीं था। ऐसे में एक लोकल वीडियोग्राफर पुलिस के शक के दायरे में आ खड़ा हुआ। साहब ये सुरेश पाटिल ने अभी अभी शादी की है, काफ़ी खर्चा किया है, नया बंगला, नई गाड़ी, उसके पड़ोसी भी हैरान है कि इतना पैसा लाया कहाँ से। सच में हैरानी की बात है। मोरे वो सुरेश को उठा के लेके आओ और इस केस में केकर साहब को असिस्ट करो। हो सर। मैं कमिश्नर सर से मिल के आता हूँ, एक अर्जेंट केस आया है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। भाव सर मैं मीना रावत को जानता तक नहीं, विश्वास करा माजावर सर। पिछले 9 महीने में तूने एक भी वीडियो फिल्म नहीं शूट की ना शादी की, फिर भी 2 महीने में तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया? पॉर्न फिल्म शूट करता था ना तू? नहीं सर, मेहनत का पैसा है सर। पिछले 2 साल में 5 मराठी फिल्म शूट की है मैंने और बहुत मुश्किल से सर ये 2 साल का पेमेंट अभी मुझे मिला है सर। बहुत बुरा हाल है इंडस्ट्री का सर।
दो साल में 5 मराठी फिल्में और सबका पैसा मिला। मेरे बैंक डिटेल्स भी देख सकते हैं। नहीं, वो तो सब करेंगे, हम सब चेक करेंगे। जब तक ये साबित नहीं होता तो सच बोल रहा है झूठ, हमारे कस्टडी में रहेगा। चल साहब, सोमेश रायकर मिल गए, उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो हॉस्पिटल में। कैसे अभी तबीयत सोमेश की? ठीक नहीं है तबीयत, बेहोश है अभी तक। डॉक्टर कहते हैं अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। एक्सीडेंट कैसे हुआ? किसी गाड़ी ने उड़ा दिया सर। जिस दिन हम लोग राहुरी गए थे उसी दिन देवी मंदिर के पास। देवी मंदिर तो राहुरी रोड पर है। आप भी तो राहुरी में थे ना, कहीं आपसे तो मिलने नहीं आ रहा था वो। साहब बहुत शरारती था वो, शीतल को बहुत सताता था, शायद उसने ही कुछ। तू क्या कर रहा है? भाई बहन का झगड़ा अलग होता है और किसी की जान देना अलग होता है। फिर क्यों मारे मेरी बेटी? हाँ एक मिनट, हॉस्पिटल है वो तो सोमेश होश में आने के बाद पता चलेगा क्या हुआ एग्जैक्टली। मैं कांस्टेबल को अपॉइंट कर देता हूँ। हेलो, कितना दारू पिया है रे? हाँ दारू पी के तूने वहां बेटी मरी है। ये बैग तेरे घर से 200 मीटर दूर मिला, बता किसका बैग है ये? मालूम नहीं सर। किसका बैग है? मीना का बैग है। तेरी बेटी को तूने बेचा ना? हाँ साहब, वो मुन्ना मिला, बोला कि 10,000 रुपये देगा, कोई कवारी लड़की ला के देगा। उस दिन मैं गोले में नशीली दवाई खी, दारू पीने की वजह से मेरे को कोई नौकरी नहीं लग रही थी, अब पैसे भी खत्म हो गए, तो मुन्ना से पैसे लिए और बैग फेंक दिए। मुन्ना किधर है? चेक करो। गया सर। ड्रग ओवरडोज। शिरके, इसके कॉल डिटेल्स चेक करो, ये जरूर अपने टीम से बात करता होगा, उसके जरिए हम गौरी को बचा सकते हैं। आखिरकार पुलिस उस मास्क वाले आदमी मुन्ना के घर तक पहुंची गई, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही मुन्ना ड्रग ओवरडोज के कारण अपनी जान गंवा चुका था। पुलिस को वहां मास्क भी मिला, लेकिन जांच पड़ताल के बाद पता लगा कि वो मास्क बहुत ही साधारण सा था और हर दूसरी दुकान में मिलता था। तो ये एक संयोग था या पुलिस को भटकाने की सोची समझी साजिश? वो मास्क वाला आदमी मुन्ना ही है, इस बात की पुष्टि करना बहुत मुश्किल होगा पुलिस के लिए। इंडियन साइबर क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश की 25% इंटरनेट एक्टिविटी चाइल्ड पोर्नोग्राफी की होती है, और आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये करना बहुत आसान है। किसने सोचा होगा कि जो फोन एक माँ अपने बच्चे का हाल समाचार पूछने के लिए इस्तेमाल करती है, उसी फोन से उस बच्चे का अश्लील वीडियो बनकर पूरी दुनिया में वितरित हो जाएगा। आकाश करो देना, सिर्फ एक केस। आकाश तुम तो सिर्फ एक ही केस बोल रही थी ना, छोड़ो। तो केस करने में इतना मजा आया तो सोचो आगे और कितना मजा आएगा। नहीं प्लीज छोड़ दो आकाश, छोड़ दो। नहीं करना। अरे छोड़ो मुझे। क्यों? मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं करना। देख बेटा, तू माइनर है इसलिए मैं तेरे को मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर तू झूठ बोलेगा तो जो एनजीओ वाली आंटी है ना, इनके सामने कपड़े निकाल के मारूंगा। सच बता। सब मैंने कारी को गर्लफ्रेंड बनाया था ताकि मैं उसे बेच सकूं। किसको बेचने वाला था? सब विक्रम। हाँ विक्रम देसाई, नासिक का वीडियोग्राफर। गौरी से पहले कितने लड़कियों को बेचा था उसको? सब मैंने गौरी को नहीं बेचा था। फिर उसके पहले कविता और दो लड़कियां और दी थी मैंने विक्रम को। मोरे किसी कंप्लेंट आई थी? सर हम लड़कियों को डरा के रखते हैं कि हम वो सारे वीडियोस उनके आई पापा को दिखा देंगे तो वो छुपी बैठती हैं। अच्छा बहुत होशियार लड़की हो तुम। हाँ अगर तुमने गौरी को विक्रम को बेचा नहीं था तो ये कैसे बना?
सब मैं खुद शौक हूँ कि गौरी विक्रम के पास कैसे पहुंची सब। ये विक्रम किसी बहुत नाम के आदमी से बात करता था बहुत बार, जो शायद उसका बॉस था। और हाँ सर, इनका एडिटर संतोष शिंदे वही था जो इनकी सारी वीडियोस एडिट और अपलोड करता था। सिर्फ पता करो ये सच बोल रहा है क्या, और इसको रिमांड होम में भेजो। पर हाँ, ये विक्रम उसका एड्रेस पता करो। साहब ये तो लॉक है। आओ, ये विक्रम को देखा क्या? कहाँ साहब, जब से इधर रहने को आया है घर में कम बाहर ज़्यादा रहता है। आकाश ने बताया था विक्रम उसको हमेशा फार्म हाउस पे मिलता है, वहाँ चेक करो और अपने आदमियों को काम पे लगाओ। गौरी को बचाना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। हो साहब। क्या भाव, क्यों बुलाया तुमने मुझे? हम तेरे को जाना है तो जा, मगर दूसरा एडिटर देकर जा। अब मतलब दूसरा एडिटर भी मैं ही ढूंढूं? ठीक है, तेरा शोरील तेरे होने वाले वाइफ को भेजता हूँ, उसे तो पता चलना चाहिए तू क्या करता है। भेजो, कैसे भेजोगे? आपके पास कोई प्रूफ तो है नहीं, और मैं मना कर दूंगा कि मैंने कुछ किया नहीं है। प्रूफ? ये तेरा लैपटॉप है ना, ये प्रूफ है ना? चल दे, ये लैपटॉप लो, भेज दो टेस्टिंग के लिए, भेज दो। ए गौरी और विक्रम कहाँ है? सच बोल रहे तो यहाँ फिल्म बना दूंगा तेरी। मैं नहीं जानता था सर, वो तो भाग गया। बॉब कौन है? ये बॉब कौन है? नहीं मालूम सर, मैं बस विक्रम से बात करता था, वो मुझे कंटेंट ला के देता था, मैं एडिट करता था और अपलोड करता था। कंटेंट ला के देता था? हाँ, छोटे छोटे बच्चों के रेप वीडियो अपलोड करता है, उसको कंटेंट बोलता है? शर्म नहीं आती तेरे को? शर्म नहीं आती तेरे को? कंटेंट चाहिए सर। सोमेश को होश आ गया। उस दिन आई पापा के जाने के बाद मैंने और मेरे दोस्त ने पोर्न देखने का प्लान बनाया। उसके बाद मैं आई पापा को बताने के लिए राहुरी जा रहा था। मैंने कभी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, तू सही बोलती थी आई। मैं बहुत बुरा हुआ, ये सब मेरी वजह से हुआ। उसने बताया था कि ये सब बॉब ने उसके साथ किया, पर मैंने ही नहीं माना। बॉब? ये शीतल ने बताया था? बॉब कौन है? हाँ, शीतल ने बताया था। चलो ढूंढो। सर, शिरके हॉस्पिटल लेके चलो उसको। बॉब बबन अपटे, बच्चों के अपटे काका, शर्म नहीं आती तेरे को? तेरे आधे पैर लटक रहे कबर में, ये उम्र में धंधे करता है? सच सच बोल, इतना मारूंगा सवेरे बैठने के वांदे हो जाएंगे। बोल। संतोष सर, वो मुझे छोटी बच्चियों की सेक्स वीडियो देखने की आदत हो गई थी, बहुत मजा आता था। रिटायर के बाद पैसों की बहुत तंगी होने लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही खुद ऐसे वीडियो बनाऊं। तो मैंने विक्रम से बात की, तो सारा प्लान उसी ने बनाया। बच्चों को जो मॉलिश करते ना, उनका बहुत अलग तरीके से स्वागत होता है जी। किसी भी तरह का संयोजित जुर्म एक व्यापार ही होता है। बिक्री तभी होती है जब खरीदार होता है। याद रखिए कि ऐसे क्राइम सिर्फ अपनी मानसिकता बदल के ही रोके जा सकते हैं। अगर आपके पास वो मीना का वीडियो आया होता तो आप क्या करते? आपका जवाब आपको आपके और हमारे समाज के बारे में बताएगा। हमें जुर्म से लड़ना है, उसे रोकना है, ऐसे वीडियोस फॉरवर्ड नहीं करना है, और उसे सिर्फ डिलीट करने से भी कुछ नहीं होगा। हमें जागरूकता बढ़ानी होगी अपनों के बीच में, ऐसे वीडियोस के पीछे असहाय लड़कियों का दुख समझना होगा। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।